यूपी में त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। त्योहारों को लेकर जारी अलर्ट के बाद पुलिस ने कासगंज में फ्लैग मार्च निकाला और ये फ्लैग मार्च कासगंज के जिला अधिकारी सीपी सिंह और पुलिस अधीक्षक सुशील चंद्रभान घुले के नेतृत्व में किया गया, जिन्होंने पीएसी और आरएफ के जवानों के साथ शहर के इलाकों में फ्लैग मार्च किया। हमारे पास में पीएसी है, एक आरआरएफ की बटालियन भी है, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और उसको लेकर ही आज हमने जो फ्लैग मार्च कराया है उसमें स्थानीय पुलिस भी है, जो हमें कावड़ हेतु जो बाहर का फोर्स मिला है वो भी है, और जो 15 अगस्त को लेके बकरीद को लेके और कावड़ को लेके जो हमारे पास पीएसी और आरआरएफ बटालियन है उसको लेकर भी हमने आज फ्लैग मार्च कराया। तो वहीं शहर में येलो स्कीम भी लागू कर दी गई है, जिसके चलते सभी पुलिस कर्मियों के लिए 20 पॉइंट तय किए गए हैं, जो आदेश होने पर तुरंत अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचकर पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर रहेंगे। लोगों से कई जगह पर इंटरेक्ट भी किया है, उनसे फीडबैक भी लिया है और हर जगह पर जो पुलिस फोर्स है उसने अपना प्रेजेंस दिखाया है और इन त्योहारों पे तैयारी के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। ये सब जो फोर्स है इनको ब्रीफिंग भी किया गया है, इनका डीब्रीफिंग भी किया गया है कि किस तरीके से ड्यूटियां करनी है। बकरीद, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी ही नहीं पूरे देश में अलर्ट है और यही वजह है कि यूपी में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त चौकसी देखने को मिल रही है। R9 TV के लिए कासगंज से सोनू दुबे की रिपोर्ट।